नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है यश जाट और आज के इस वीडियो में हम 7250 मेसी के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ सर है मेसी से और सर से जानते हैं कि इस ट्रैक्टर की क्या क्या विशेषता है। सर स्वागत है आपका और आप अपने इस ट्रैक्टर के बारे में थोड़ी सी किसान भाइयों को जानकारी दीजिएगा। जी धन्यवाद। मेरा नाम संदीप है, मैं टैफे मेसी कंपनी की तरफ से पूरा एरिया देखता हूँ मार्केट डेवलपमेंट में। जहाँ तक इस 7250 का सवाल है, 7250 हमारा अभी तक, मैं आपको अभी लेटेस्ट बताता हूँ, अभी तक हम 50,000 ट्रैक्टर बेच चुके हैं। तो ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि इतने कम समय में हमने 50,000 बेचे हैं। ये 7250 का जो वर्जन आपके सामने खड़ा है, ये 46 हॉर्स पावर में है। इसमें किसान भाइयों को पास 8 ऑप्शन उपलब्ध हैं, 8 विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें पावर स्टीयरिंग है। अगर किसान भाई को लगता है कि मेरा पावर स्टीयरिंग का काम नहीं है तो वो नहीं ले। इसके अलावा आप इसमें पीछे देखोगे तो रिवर्स पीटीओ है इसमें दिया हुआ। अगर किसान भाई को लगता है कि उसका काम रिवर्स पीटीओ का नहीं है तो वो बिना रिवर्स पीटीओ ले सकता है। टायर आप देख रहे हो, इसमें 14-9 का है। किसान भाई को चाहिए तो वो 13-6 के भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से इसमें कुल मिलाकर 8 ऑप्शन उपलब्ध है। जहाँ तक इस ट्रैक्टर का सवाल है, ये अपनी श्रेणी का सबसे पावरफुल ट्रैक्टर है। पावरफुल हम इसलिए बोल रहे हैं कि बाकी ट्रैक्टरों में भी यही 45 हॉर्स पावर का इंजन और ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें कुछ अलग से विशेष क्या है कि ना सिर्फ सिम्पसन का इंजन लगा हुआ है, जो कि मेंटेनेंस और कम मेंटेनेंस और अच्छी एवरेज के लिए जाना जाता है, माइको का पंप लगा हुआ है, बल्कि इसमें अगर आप देखोगे कि जो गियरबॉक्स हमने प्रयोग में लिया है वो कॉन्फिमेस है, सुपर कॉन्फिमेस। इसमें कॉन्फिमेस से हमारा मतलब ये है कि इसमें आपका फर्स्ट और रिवर्स गियर मिला होता है, चौथे से पाँचवा भी मिला होता है, ताकि अगर हम स्पीड के मामले में हम ट्रॉली में बात करें तो चौथे से पाँचवें में अगर ड्राइवर भाई को थोड़ा सा भी हल्का सा भी क्लच दबा के गियर बदलना पड़े तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंटर गियर इसमें दिया हुआ है, जो कि कुछ किसान भाइयों को पसंद होती है। मीटर जो है इसमें क्लस्टर टाइप इंस्ट्रूमेंटल मीटर दिया हुआ है, जो कि रात में भी आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। ये पार्किंग ब्रेक जो है बिल्कुल साइड में दिया हुआ है गाड़ियों की तरह, ताकि किसी भी इमरजेंसी केस में बिल्कुल आसानी से उसके पार्किंग ब्रेक हाथ में आ जाए और आराम से लगा सके। लीवर आप देख सकते हो, लिफ्ट वाले बिल्कुल बड़े नॉब दिए हुए हैं और वो बिल्कुल साइड में दिए हुए हैं, ताकि किसान भाई को लीवर ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमने पीछे इसमें ट्रॉली की पाइप भी यहाँ से अटैच करके दी हुई है। यहाँ ट्रांसपोर्ट लॉक लगा हुआ है। ट्रांसपोर्ट लॉक का काम यह है कि किसान भाई अगर कोई इम्प्लीमेंट ऊपर करके छोड़ देते हैं, उसको मान लीजिए साफ कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो कोई दुर्घटना ना हो, वो अपने आप नीचे ना गिरे, इसलिए हम इसको लॉक कर देते हैं। इस हिसाब से आप इसको लॉक कर सकते हो। दूसरा, इसको ट्रॉली में, ट्रॉली जो डंपर वाली ट्रॉली होती है, हाइड्रोलिक ट्रॉली, उसमें भी आप इसको प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको यहाँ पे एक गियर दिखेगा पीले वाला, जो कि इसमें पीटीओ के लिए दिया हुआ है कि आप इसको रिवर्स पीटीओ यूज करना है या सीधा पीटीओ यूज करना है, उस हिसाब से आप इसको काम में ले सकते हो। जो इसमें अलग से जो हमने चीज़ें दी हैं, जैसे पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें किसान भाई के लिए वैकल्पिक हैं। जो जो चीज़ें उसको काम में लेनी होती है उस हिसाब से लेता है। पाइप, टिपिंग पाइप जो है इसमें स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर हमने दिया हुआ है, जो कि किसान भाई को रेडीमेड मिलेगी, तुरंत प्रभाव से डंपर वाली ट्रॉली में इसको लगा के हाइड्रोलिक ट्रॉली में और काम में ले सकता है। पिछला हिस्सा जब आप इसका देखोगे तो ये एक विशेष तौर पे हमने दिया है। बाकी ट्रैक्टरों में भी क्या होता है कि बड़े ट्रैक्टरों में भी सीधा सादा एक्सल दे देते हैं, हमने इसमें क्या किया है कि इसी कड़ा पिनियन के दोनों तरफ तकरीबन 25-25 किलो के बहुत ही बड़े, भारी और अच्छे गियर दो दो साइड में और दिए हुए हैं, एक इस तरफ, टोटल दो गियर दिए हुए हैं। उन गियर का काम क्या है कि जब भी ट्रैक्टर कीचड़ में फंस जाए या स्लिपेज मारने लगे या कुछ ऐसा हो कि इंजन पावर सप्लाई कर रहा है लेकिन पिछले वाले टायर आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा कि सारा का सारा जोर आके पड़ता है कड़ा पिनियन पे। तो कड़ा पिनियन पे या तो क्रंच आ जाती है या फिर वो टूट भी सकता है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमने ये दिया हुआ है, इसको हम पावर ड्राइव बोलते हैं। ये स्ट्रेट एक्सल ड्राइव नहीं है, पावर ड्राइव है। इसमें इससे फायदा ये होगा कि एक तो इससे ट्रैक्टर का टॉर्क बढ़ेगा, जिससे कि ज़मीन पे उसकी पकड़ ज़्यादा बढ़ेगी, स्लिपेज कम होगी। दूसरा, रोड पे इसकी 25-30% जो है वो स्पीड बढ़ जाती है। इसके अलावा लिफ्ट के बारे में आपको पता ही है, मेसी की सबसे फेमस और यूनिक लिफ्ट है, जो कि किसान भाइयों को समतल गहराई देती है। एक बार लिफ्ट की आप सेटिंग कर दो, उसके बाद आपको छेड़ना नहीं है, उसी सेंसिटिविटी के साथ, क्योंकि हमारा हाइड्रोलिक पंप बिल्कुल पास में लगा हुआ है, दूसरी कंपनियों का बहुत दूर होता है, जिससे कि हल जो है आपका वो किसी भी परिस्थिति में दबता जाता है, ट्रैक्टर दबता जाता है, स्लिपेज चलती जाती है और ट्रैक्टर दब के लास्ट में बंद हो जाता है।
लेकिन मैसी की हाइड्रोलिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैसी का हाइड्रोलिक पंप रिपेयरेबल है, यानी आप रिपेयर करवा सकते हैं। दूसरी कंपनी का पंप वहाँ पर आगे लगा होता है, जो कि अमूमन साल दो साल में बदलना ही पड़ता है और वो रिपेयर नहीं होता कभी भी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। हमने वाटर बॉटल रखने के लिए इसमें वाटर बॉटल का दिया हुआ है। मोबाइल चार्जिंग के लिए इसमें मोबाइल चार्जिंग का भी मैं आपको दिखा दूँ। जो किसानों की ज़रूरतें हैं उसी हिसाब से हमने मोबाइल चार्जर और इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं जो किसानों की ज़रूरत होती है वो देते जाते हैं हम। जहाँ तक इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी का सवाल है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री की मैं आपको बता दूँ, ट्रैक्टर इंडस्ट्री की पूरे इंडिया की सभी ट्रैक्टरों की, चाहे वो 100 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, चाहे 25 है, चाहे 50 है, सभी में सभी से ज़्यादा इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी है वो है 2300 kgf। आपको किसी भी ट्रैक्टर में इंडिया में लिफ्ट कैपेसिटी नहीं मिलेगी। इससे फ़ायदा किसान को ये होगा कि कोई भी भारी इंप्लीमेंट, कोई भी भारी चीज़ें वो लेके चल रहा है, आसानी से आपका लिफ्ट ऑपरेट करेगा। दूसरा, मान लीजिए कि लोड से भरी हुई ट्रॉली खड़ी है, उसको हल्का सा उठा के और अटैच करने की ज़रूरत है, जोड़ने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको ये लिफ्ट कैपेसिटी बिल्कुल आसानी से उसको उठा के और जोड़ सकते हैं। 2300 kgf किसी भी ट्रैक्टर में, 7250 के अलावा पूरी इंडस्ट्री में कहीं भी कैपेसिटी क्षमता नहीं है जी। सर, इसके पीटीओ के बारे में, जहां तक सवाल है, मैं आपको बता दूं, मैसी के सभी ट्रैक्टरों में ना सिर्फ ये मिनिमम लॉस पावर लाइन लगी हुई है, उससे फ़ायदा ये होता है कि कम से कम गियरों द्वारा होते हुए आगे से पावर पीछे तक आती है तो लॉस बहुत कम होता है। जैसे ये 46 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है तो इसमें अमूमन पीछे 42-43 हॉर्स पावर पीछे तक आ रही है। दूसरे ट्रैक्टरों में क्या होता है कि अगर आप 45-46 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर देखोगे तो पीछे तक 37-38-39 हॉर्स पावर मैक्सिमम आ पाती है। तो हमारा हर ट्रैक्टर हर सेगमेंट में दूसरे ट्रैक्टरों के मुकाबले 2-3 हॉर्स पावर ज़्यादा देता है। तो ये कोई जादू नहीं है, ये इस वजह से है क्योंकि बीच में मिनिमम लॉस पावर लाइन लगी हुई है, जो कि हमारा डिज़ाइन पेटेंट है, जो दूसरी कंपनियाँ नकल भी नहीं कर सकती। इससे किसान को फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए 46 हॉर्स पावर ट्रैक्टर ले रहा है, किसान सोचता है कि मेरे पास 46 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, लेकिन दूसरी कंपनी में उसको पीछे काम में आ रही है सिर्फ और सिर्फ 38-39 हॉर्स पावर ट्रैक्टर। और यही वजह है कि दूसरी कंपनियां कुछ पीटीएचपी, असल में किसान को हॉर्स पावर यही काम में आनी है, चाहे वो कल्टीवेटर यूज कर रहा है, चाहे हैरो कर रहा है, चाहे रोटावेटर कर रहा है, उसको यहाँ पे जो हॉर्स पावर आएगी, यहाँ ड्रॉ बार पे जो हॉर्स पावर आएगी, जहाँ पीटीओपी आएगी, वो ही काम में आनी है। लेकिन किसान भाई सोचते हैं कि वो इंजन हॉर्स पावर के हिसाब से, लेकिन वो किसान के काम में नहीं आते। यही कारण है कि दूसरी कंपनियां थोड़ा मोटा सस्ता करके दूसरे ट्रैक्टर बेचती हैं, लेकिन मैसी ट्रैक्टर में फ़ायदा ये है कि आपको ऑलरेडी एज ए स्टैंडर्ड आपको 3-4 हॉर्स पावर फालतू मिलती है, एक्स्ट्रा मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे कि मैसी के ट्रैक्टर में 35 हॉर्स पावर से ज़्यादा हमेशा हमारा हर ट्रैक्टर डबल क्लच होता है, यानी रोटावेटर क्लच होता है। दूसरी कंपनियों में ये होता है कि 50-50, 55-55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर भी किसान जब ले लेता है, उसको 2-4 साल बाद जब उसको कोई ऐसा काम पड़ता है कि रोटावेटर चलाना है मुझे या कुछ और चलाना है, तब उसको याद आता है कि मेरे पास तो सिंगल क्लच ट्रैक्टर है, या उसको पता ही नहीं होता, तो उस तरह के तब वो ठगासा महसूस करता है। तो मैसी कंपनी में आपको कभी ऐसा नहीं होगा, आपको हमेशा डबल क्लच ट्रैक्टर ही मिलेगा 35 हॉर्स पावर से ऊपर एज ए स्टैंडर्ड। और हम किसान भाई से इसका कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं लेते। दूसरी कंपनियों में आपको 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा देते हो, तभी वो सिंगल से डबल क्लच देते हैं, वैकल्पिक रखते हैं, हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड है डबल क्लच हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखोगे हमारा मैसी के जितने भी ट्रैक्टर हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल ट्रैक्टर होगा तभी स्टार्ट होगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर गियर में ट्रैक्टर खड़ा है, किसी बच्चे ने भी चाबी घुमा दी, तो कोई नुकसान होने की आशंका है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। मैसी के ट्रैक्टर हमेशा न्यूट्रल में ही स्टार्ट होगा। तो ऐसे छोटे छोटे सेफ्टी फीचर हमने दिए हुए हैं। पीछे आके आप अगर देखोगे तो पीटीओ शाफ्ट के पास हमने अंदर डीटीआर भी गियर दिया, डीटीआर भी बेरिंग दिया हुआ है, डबल टेपर रोलर बेरिंग। ये एक तरह से फ्यूज का काम करता है, जैसे कि यहाँ पे ये बिल्कुल पास में यहाँ पे लगा होता है डबल टेपर रोलर बेरिंग, जो कि बहुत ही कम पैसे का होता है। उसका फ़ायदा क्या है कि ये एक फ्यूज की तरह काम करता है। जैसे किसान भाई घर में फ्यूज लगाते हैं ताकि अगर लाइट की वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की कम ज़्यादा हो जाए तो उसके कूलर, पंखे, एसी, टीवी सब बचे रहें और बेसिक फ्यूज उड़ जाए। तो इसी तरह से ये फ्यूज काम में देते हैं। जब भी रोटावेटर में कुछ फंस जाए या थ्रेसर में कुछ फंस जाए, जब हम गेहूँ थ्रेसर चलाते हैं, कुछ गीला भी होता है तो कुछ फंस जाता है, तो वो क्या करता है कि इधर से इंजन तो इस पीटीओ को घुमाने की कोशिश करता है और उधर से वो रोकने की कोशिश करता है। तो इस दौरान पूरा
जो राके पीटीओ शाफ्ट पे पड़ता है तो या तो पीटीओ शाफ्ट टूट जाती है या नहीं टूटेगी तो अंदर जाके क्रैंक शाफ्ट तक नुकसान कर सकती है। लेकिन उस नुकसान से, बड़े नुकसान से बचाने के लिए हमने बीच में डबल टेपर रोलर बेयरिंग लगाया हुआ है जो कि आपका ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होना देगा। इसी तरह से हमने गियर बॉक्स के भी आगे पीछे प्लेनेटरी गियर लगाए हुए हैं जो कि इसी तरह के कोई भी झटका अगर आता है तो वो क्रैंक शाफ्ट तक उस झटके को पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर देगा या फिर वो फ्यूज खुद टूट जाएगा लेकिन आगे आपका नुकसान नहीं होने देगा। तो इस तरह से ये जैसे पावर ड्राइव है, रिवर्स पीटीओ है, पावर स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग आप देख सकते हो, सीट आगे पीछे ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, पेडेंट टाइप पैडल दिए हुए हैं जैसे बोलेरो में होते हैं, खाली आपको एडी प्लेटफॉर्म पर रखना होता है, पंजे से ही पूरा ऑपरेट होता है। तो जो ड्राइवर भाई दूसरे ट्रैक्टरों में 8-10 घंटे में थक जाता है, हमारे ट्रैक्टरों में वो 12-14 घंटे तक उसको बिल्कुल भी कमर दर्द या थकान महसूस नहीं होगा। इसके अलावा आगे अगर आप एयर क्लीनर देखोगे तो वो भी 4 स्टेज लगा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी पूरा फीचर पैक ट्रैक्टर है जो कि किसान भाई खेतीबाड़ी के साथ साथ अपना किसी भी तरह का कमर्शियल काम में भी उसको उपयोग में ले सकते हैं। ये कुछ विशेषताएं थी जो मैं आपको बेहतर 50-46 हॉर्स पावर के बारे में बता रहा था। बेहतर 50 हमारा दूसरा ट्रैक्टर जो आता है वो 50 हॉर्स पावर में आता है, उसमें भी ये सारे फीचर्स उपलब्ध हैं, वो इससे 4 या 5 हॉर्स पावर बड़ा है। उसमें पिछले हिस्से में पावर ड्राइव की जगह प्लेनेटरी ड्राइव लगा होगा, बाकी सारे फीचर आपको सेम मिलेंगे जी। संदीप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी बेहतरीन जानकारी हमारे चैनल पर दी है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय भारत, जय किसान।